नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 मई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। महिला पुलिस भर्ती में देश भर में बिहार टॉपर। पशु व मछली पालकों को क्षति पर मिलेगी अधिक राशि। बिहार पुलिस ने की अब तक इतने अभियुक्तों की गिरफ्तारी। बिहार सरकार ने रोजगार के लिए बांटा 150 करोड़ से अधिक कर्ज। पहले क्वालिफायर मैच में होगी जीटी बनाम सीएसके के बीच भिड़ंत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय डाक विभाग में 12,828 पदों पर भर्ती। भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के 12,828 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही आयु 11 जून 2023 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए GDS भर्ती पोर्टल indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। महिला पुलिस भर्ती में देश भर में बिहार टॉपर। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां महिला पुलिस की भर्ती देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। बता दें कि अब तक बिहार में महिला पुलिस की संख्या 25% है, जो साल के अंत तक बढ़कर 28-29% तक हो सकती है। मालूम हो कि राज्य में आने वाले दिनों में और भी रिक्तियां भरी जाएंगी, जिसको देखते हुए अगले 2 वर्षों में 300 थाने और बनाए जाएंगे, जो कि 4 मंजिला होंगे और इनका क्षेत्रफल 14,258 वर्ग फीट होगा। बता दें कि इस भवन में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। इसके साथ ही निर्माण कार्य किए जा रहे इस भवन के सबसे ऊपर महिला कर्मियों के लिए क्वार्टर भी तैयार किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष लगभग 65,000 सिपाही दरोगा तक की बहाली की जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सियाराम तिवारी के बारे में। सियाराम तिवारी एक भारतीय शास्त्रीय गायक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली के प्रमुख प्रतिपादक थे। 1971 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1984 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जो संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत नृत्य और नाटक के राष्ट्रीय अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उनका गायन गायकी स्वरा मिंड गमक और लयकारी के लिए जाना जाता है। वह ऑल इंडिया रेडियो पटना में एक अग्रणी कलाकार थे। 1955 में उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1989 में बिहार रत्न तानसेन पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार भारत और विदेशों के कई संगीत संगठनों के द्वारा सम्मानित किया गया। पशु व मछली पालकों को क्षति पर मिलेगी अधिक राशि। पशु व मछली पालकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। बता दें कि अब अगर उनके पशु या मछली की जान कृत्रिम या प्राकृतिक आपदा में चली जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में अब पशु व मछली पालकों को पशु एवं मत्स्य संसाधन के द्वारा पहले की तुलना में अधिक पैसे दिए जाएंगे। बता दें कि इसको लेकर विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले जहां दूध देने वाले जानवरों की मौत पर 30,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसे बढ़ाकर 37,500 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं भेड़ बकरी सुअर की मौत पर दिए जाने वाले 3,000 रुपए को बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया। और इसके अलावा बिना दूध वाले पशुओं की मौत पर पहले जहां 25,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसे बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं मछुआरों को मछली के साथ नाव मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि को 6,000 कर दिया गया है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिए अब 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही पशु एवं मत्स्य से जुड़े सभी क्षति के लिए दी जाने वाली राशि को पहले की तुलना में बढ़ा दिया गया है। बिहार कैडर के 2 वरिष्ठ IPS और मद्य निषेध विभाग में बड़े पैमाने पर हुआ ट्रांसफर। गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि भारतीय पुलिस सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि जिन 2 अधिकारियों का तबादला किया गया है, वे दोनों ADG रैंक के अधिकारी है। मालूम हो कि जिन 2 अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें बिहार सरकार के द्वारा ATS के ADG S. रविंद्रन को स्थानांतरित कर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, और साथ ही अतिरिक्त प्रभार के रूप में वे बिहार राज्य खेल कूद प्राधिकरण के ADG पद के रूप में रहेंगे। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र MR नायक को ATS का ADG बनाया गया है। इसके साथ ही अगर मद्य निषेध विभाग में हुए तबादले की बात करें, तो विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल की तरफ से आदेश जारी कर 9 इंस्पेक्टर, 10 दरोगा और 38 ASI का ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा 26 जून से 7 जुलाई तक चलने वाले हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम में S. रविंद्रन, R. मलड विजी, डॉक्टर अमित कुमार जैन, अनिल किशोर यादव और MR नायक, ये 5 अधिकारी ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाएंगे।
बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में बनेगा एसटीपी। बिहार के वे सभी शहर जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं उन शहरों में एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में ऐसे कुल 23 शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं और इसके साथ ही इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 76 छोटे शहर ऐसे हैं जहाँ 1287 केएलडी क्षमता वाली एफएसटीपी यानी कि फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट पर भी काम किया जा रहा है, जिसकी मदद से निजी सेप्टिक टैंकों से निकलने वाली गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे ट्रीट कर खाद बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8 महत्वपूर्ण शहर है जहां एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें रामनगर, नरकटियागंज, रक्सौल, जोगबनी, गया, आरा, बेतिया और कटिहार शामिल है। मालूम हो कि 8 शहरों में कुल 251.75 एमएलडी क्षमता का एसटीपी निर्माण किया जा रहा है। बैंक चाहे बिना घर बैठे ही बदल सकेंगे 2000 के नोट। आरबीआई के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद आज से यानी कि 23 मई से बैंकों में 2000 रुपए के नोट को बदलने की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। ऐसे में अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट है तो भी उसे आज से बैंकों में बदलवा सकेंगे। मालूम हो कि पिछली बार लोगों को नोट बदलवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा था, ऐसे में इस बार फिर से लोगों को यही चिंता सता रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप किसी कारण से बैंक में 2000 रुपए के नोट को बदलवाने नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा सकते हैं तो आप परिस्थिति में घर बैठे भी अपने नोट को बदलवा सकते हैं। दरअसल आरबीआई के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रिमोट एरिया में रहने वाले लोग रिमोट वे के जरिए घर बैठे अपने 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। मालूम हो कि आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि बैंक मित्र आपके घर आकर नोट बदल देंगे। हालांकि सुविधा के तहत आप रोज केवल 4000 यानी कि 2000 रुपए के दो नोट को ही बदलवा सकेंगे। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिहार योगा भारती के बारे में। बिहार योगा भारती मुंगेर जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। इसे बिहार स्कूल ऑफ योगा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है जहां पर देश और विदेश के हजारों योग जिज्ञासु साधु संत एवं आमजन यहां पर आकर योग कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इस आश्रम की प्रसिद्ध विश्व के कोने कोने में फैली है। यहां पर आपको आकर गंगा नदी का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है और योग करने के लिए मिलता है। इस योग आश्रम की स्थापना स्वामी सत्यानंद के द्वारा की गई थी। यह जगह मुंगेर में गंगा नदी के पास ही में स्थित है। आप यहां पर आकर योग कर सकते हैं। बिहार योग भारती को योग के विकास के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय योग पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकारी स्कूलों में मानसिक तनाव से बचाव व करियर विकल्प के लिए होंगे काउंसलर। बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखा जा सके और साथ ही करियर से जुड़ी विकल्प के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए सूबे के 9,243 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि यूनिसेफ द्वारा काउंसलर के रूप में उस स्कूल से एक ही शिक्षक का चयन किया जाएगा जिन्हें काउंसलर का ऑनलाइन कोर्स करना होगा। उसके बाद उन्हें परीक्षा देनी होगी और परीक्षा पास होने के बाद उन्हें काउंसलर का प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। बता दें कि उन्हें काउंसलर का प्रमाण पत्र शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ और शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मालूम हो कि काउंसलर बनने के लिए ली जाने वाली परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। वहीं काउंसलर का प्रमाण पत्र मिलने के बाद वे शिक्षक काउंसलर नियुक्त होंगे। बता दें कि यह पहली बार होगा जब राज्य के सरकारी स्कूलों में काउंसलर की व्यवस्था की जाएगी। बिहार पुलिस ने की अब तक इतने अभियुक्तों की गिरफ्तारी। इन दिनों बिहार में अपराधियों के द्वारा अपने पांव पसारे जा रहे हैं। ऐसे में बिहार पुलिस के द्वारा भी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस कोशिश के तहत अब तक बिहार पुलिस के द्वारा कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है जो कई वर्षों से पुलिस अभिरक्षा से फरार चल रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसे अपराधियों की संख्या लगभग 117 है, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा इन 117 फरार वांछित अपराधियों में 16 अपराधी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मालूम हो कि इनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन 16 अपराधियों की गिरफ्तारी 6 फरवरी से 20 मई तक की गई है। दिव्यांग बच्चों के शिक्षण में अब अभिभावक भी करेंगे मदद। राज्य के वैसे बच्चे जो गंभीर या अति गंभीर दिव्यांग हैं उन बच्चों के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार दिव्यांग बच्चों के शिक्षण में उनके अभिभावकों की भी मदद लेंगे ताकि बच्चों की देखभाल सही ढंग से की जा सके। वहीं सामान्य रूप से दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को इन तरीकों की जानकारी विस्तार रूप से दी जाएगी ताकि वे भी उसके अनुरूप कार्य कर सके। मालूम हो कि विभाग का मानना है कि अगर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की मदद ली जाती है तो काफी हद तक परेशानी कम होगी और साथ ही संसाधनों की भी बचत होगी। वहीं अभिभावकों के देख रेख में दिव्यांग बच्चों की 24 घंटे निगरानी हो सकेगी।
बिहार में अब सोशल मीडिया का रिच बढ़ाएंगे अधिकारी। सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के उपस्थिति के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की उपस्थिति में सुधार लाया जा सके, इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा राज्य के जिला स्तर पर पदाधिकारियों को खास निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस निर्देश के तहत विभाग के द्वारा संबंधित अधिकारियों को सोशल मीडिया मंच के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और आमजन से अपना सरोकार बढ़ाने को कहा गया है। बता दें कि विभाग के द्वारा अधिकारियों को कहा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बिहार सरकार की उपलब्धियों और कल्याणकारी उपायों से अवगत कराने को कहा गया है, और साथ ही यह भी कहा गया है कि मंचों पर सक्रिय रहते हुए फॉलोवर की संख्या को भी बढ़ाने की कोशिश की जाए। मालूम हो कि विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश जिलावार आंकड़े और उन आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद दिया गया है। पटना से जाने के बाद भी बिहार को याद कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरेत पाली में 13 से 17 मई तक आयोजित किए गए हनुमंत कथा में भाग लेने के लिए पटना आए थे। वहीं अब उन्हें पटना से गए काफी समय बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक वह बिहार वासियों को भूल नहीं पाए हैं। दरअसल इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री अपने हनुमंत कथा को लेकर मध्य प्रदेश के जैसी नगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पटना में आयोजित कथा को याद करते हुए कहा कि पटना जाने से पहले भगवान हनुमान की प्रार्थना की और इसके बाद भगवान हनुमान ने ऐसी गदर मचाई कि वहां भगवान हनुमान के ही भक्त दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग भी बड़े धन्य हैं, 25 किलोमीटर तक 5 दिन पड़े रहे, उसी स्थान पर रोटी भी बनाते और उस जगह ही सो जाते थे। इसके साथ ही तरेत पाली मठ के महंत भी तारीफ करने लायक है कि उन्होंने हनुमंत कथा का आयोजन करवाया। जब मैंने एक आदमी से पूछा कि घर क्यों नहीं जाते हो, तो बोलता है कि हनुमंत कथा का लाभ लेने के लिए घर नहीं जाता। फिर मैंने पूछा कि कथा स्थान पर क्यों नहीं पहुंचते, तो उसने बोला कि वहां बहुत भीड़ होती है, प्रवेश नहीं मिल पाता, इसलिए इस जगह से ही आनंद ले रहा हूं। बिहार सरकार ने रोजगार के लिए बांटा 150 करोड़ से अधिक का ऋण। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक अब तक का सर्वाधिक ऋण बांटा गया है। मालूम हो कि निगम के द्वारा 6,743 लाभुकों को 152.43 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया है। बता दें कि 152.43 करोड़ रुपए का यह ऋण केवल 150 दिनों में सरकार के द्वारा बांटा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सरकार के द्वारा वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा लाभुकों को ऋण बांटा गया था। मालूम हो कि ऋण वितरण में राज्य का जो प्रमंडल सबसे अव्वल रहा है वह पूर्णिया है, क्योंकि इस प्रमंडल के चारों जिलों में 2027 लाभुकों के बीच 45 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। वहीं दूसरे स्थान पर 1,116 लाभुकों को 29 करोड़ रुपए बांटकर तिरहुत प्रमंडल है, और तीसरे स्थान पर 660 लाभुकों को 18 करोड़ रुपए बांटकर दरभंगा प्रमंडल है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में CISCE ने किया बदलाव। CISCE यानी कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में एक बदलाव किया गया है। बता दें कि इस बदलाव के तहत अब 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में केवल एक साल के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, यानी कि अगर 10वीं बोर्ड की परीक्षा होती है तो केवल 10वीं कक्षा से जुड़ा सवाल ही पूछा जाएगा। वहीं अगर 12वीं की बोर्ड परीक्षा होती है तो उसमें केवल 12वीं कक्षा से जुड़ा सवाल पूछा जाएगा। बता दें कि वर्तमान में अगर 10वीं बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसमें 9वीं और 10वीं दोनों कक्षा से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं अगर 12वीं बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसमें 11वीं और 12वीं दोनों कक्षा से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बता दें कि इस नए नियम को बोर्ड के द्वारा वर्ष 2024 से लागू किया जाएगा। मालूम हो कि स्कूलों में भी इसी के अनुसार ही पढ़ाई होगी। बता दें कि इसको लेकर वर्ष 2022 में बोर्ड स्तर पर बैठक हो चुकी है। इस दिन से करवट लेगा प्रदेश का मौसम। बिहार के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि कुछ इलाके में बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से पटना, नवादा, शेखपुरा, कैमूर, औरंगाबाद और भोजपुर समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 मई को राज्य के मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा समस्तीपुर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल समेत अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं 24 से 26 मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। 5 जिलों के कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण तलब। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के द्वारा सरकारी भवनों के निर्माण में कई तरह की अनियमितताएं सामने आने के बाद काफी सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में ताजा मामला यह है कि बिहार में कई इंजीनियर ऐसे हैं जिन्होंने तय राशि से अधिक में भवन निर्माण का कार्य किया है, लेकिन इसके बावजूद ठेकेदारों के द्वारा मंजूरी से अधिक खर्च किए गए पैसों के भुगतान की मांग की जा रही है, जिसके बाद विभाग के द्वारा इस संदर्भ में निर्देश जारी किया गया है और ऐसे मामले से संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा गया है कि उन्होंने मंजूर किए बजट से अधिक लागत से भवन का निर्माण क्यों करवाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिलों कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है उनमें रोहतास, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, मधुबनी और समस्तीपुर के नाम शामिल हैं।
केसी त्यागी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कुछ महीने पहले जेडीयू के द्वारा 20 साल के इतिहास में पहली बार केसी त्यागी को पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता पद से हटाते हुए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम से बाहर किया गया था, लेकिन बता दें कि अब उन्हें एक बार फिर से जेडीयू की ओर से नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल केसी त्यागी को पार्टी का विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। मालूम हो कि केसी त्यागी को यह नई जिम्मेदारी जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा दिल्ली में केसी त्यागी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सौंपी गई है। बता दें कि जेडीयू की ओर से अधिसूचना जारी कर यह कहा गया है कि पूर्व सांसद केसी त्यागी समाजवादी आंदोलन से जुड़े एक अनुभवी नेता हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और सीएम नीतीश कुमार से मिलकर काम कर चुके हैं। जेडीयू अब उनका संगठनात्मक अनुभव चाहती है, इसलिए जेडीयू के द्वारा केसी त्यागी को पार्टी का विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर अलग अंदाज में कसा तंज। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अलग अंदाज में तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों से बिहार में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार हैं, ऐसे में आज बिहार में दो उद्योग शुरू हो गए हैं, पहला शराब माफिया और दूसरा बालू माफिया। उन्होंने कहा कि आज ये दोनों माफिया राज्य में इतने बड़े मात्रा में हो गए हैं कि जितना पहले नहीं थे। आज ये दोनों उद्योग राज्य में बढ़िया से फल फूल रहा है। लाखों करोड़ रुपए की शराब और बालू की लूट हो रही है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग मिले हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद है, लेकिन होम डिलीवरी हो रही है। वहीं बालू में भी यही स्थिति है, जो जितना ताकतवर है वह उतना बालू उठा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई है। सरकार का इसमें हस्तक्षेप न करना इस बात को दर्शाता है कि सरकार भी इस अवैध व्यापार में शामिल है। सीएम नीतीश ने अरविंद केजरीवाल के बाद खड़गे राहुल गांधी से की मुलाकात। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सभी विपक्षी नेताओं को एक करने की मुहिम चला रहे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वहीं बीते दिन सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। बता दें कि उनकी यह मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई है। मालूम हो कि इस मुलाकात के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और कैबिनेट मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। बता दें कि बीते दिन विपक्षी दलों की हुई इस बैठक को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस बैठक में बिहार की राजधानी पटना में प्रस्तावित विपक्षी दलों की बैठक की तारीखों को लेकर बातचीत की गई होगी। आनंद मोहन के स्वागत में मोतिहारी में हो रही भव्य तैयारियां। पूर्व सांसद और बिहार के बाहुबली आनंद मोहन लगभग 16 साल के बाद 26 मई को मोतिहारी जाने वाले हैं। बता दें कि वह मोतिहारी फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले जिला के पताही हाई स्कूल के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इस दौरान आनंद मोहन अपने समर्थकों को संबोधित भी करेंगे। वहीं उनके आगमन को लेकर मोतिहारी में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए न केवल आनंद मोहन बल्कि उनकी पत्नी व पूर्व सांसद लवली आनंद, पुत्र व शिवहर विधायक चेतन आनंद और अंशुमन आनंद भी भाग लेंगे। बता दें उनके आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में कार्यक्रम के आयोजक और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के संयोजक सुभाष सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि उनका पहला स्वागत समारोह पताही में आयोजित किया गया है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि 25 मई की शाम आनंद मोहन जिला पहुंचेंगे, जहां जिले की सीमा में प्रवेश के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं मोतिहारी में रात्रि विश्राम करने के बाद 26 मई को शहर के चरखा पार्क में कार्यक्रम स्थल पताही के लिए निकलेंगे। पहले क्वालिफायर मैच में होगी जीटी बनाम सीएसके के बीच भिड़ंत। आज यानी कि 23 मई को आईपीएल 2023 का पहला क्वालिफायर मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत होगी। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे से एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेलने उतरेगी। दोनों ही टीमों ने आईपीएल के खिताब को हासिल किया है और गुजरात ने पिछले वर्ष खिताब अपने नाम किया, जबकि 4 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी चेन्नई भी इस सीजन में शानदार फॉर्म में है। ऐसे में दोनों ही टीमें प्रयास करेंगी कि इस मैच में जीत हासिल करके फाइनल की टिकट कटवा ले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात के द्वारा 9 मैचों में जीत हासिल की गई है, वहीं 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और इसके साथ फिलहाल गुजरात पहले नंबर पर काबिज है। वहीं चेन्नई 8 जीत और 5 हार के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। बता दें कि जीटी ने अब तक सीएसके के खिलाफ 3 मैच जीते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज का मैच कौन जीतता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। बछेंद्री पाल 1984 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने बिना विवाह किए महिला और पुरुष का एक साथ रहने का 2010 में अपराध नहीं माना। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को 2016 में लॉन्च किया। जयपुर राजघराने की राजमाता
माता महारानी गायत्री देवी का जन्म 1919 में हुआ। सितार ए बहद शिव प्रसाद का निधन 1895 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार तथा पुरातत्ववेत्ता राखाल दास बंधुयापाध्याय का निधन 1930 में हुआ। तेलुगु चलचित्र गीतकार वेतुड़ी सुंदरमा मूर्ति का निधन 2010 में हुआ। एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक चंद्रबलि सिंह का निधन 2011 में हुआ। बालकर में आज हम बात करेंगे उदारीकृत प्रेषण योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उदारीकृत प्रेषण योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि बैंक यह सत्यापित नहीं कर सकते हैं कि आपने एक वर्ष में 7 लाख से कम खर्च किया है या नहीं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा झूठा है। आरबीआई के द्वारा उदारीकृत प्रेषण योजना किसी व्यक्ति के खर्च को किसके द्वारा संकलित किया जा रहा है उसका मॉनिटर किया जाता है। ट्विटर में जल्द पेश होगा ये दो नए फीचर। ट्विटर अपने यूजर्स के लिए लगातार नए नए फीचर जोड़ रहा है। बता दें कि कंपनी बहुत जल्द ही दो और नए फीचर जोड़ने की योजना बना रही है। इस बात की खुलासा खुद ट्विटर के बॉस एलन मस्क के द्वारा किया गया है। ट्विटर पर एक यूजर्स को जवाब देते हुए एलन मस्क ने कहा है कि 15 सेकंड फॉरवर्ड और बैक बटन अगले हफ्ते ट्विटर पर आ रहा है। नया फीचर यूजर्स को एक लंबे वीडियो में 15 सेकंड आगे बढ़ने या फॉरवर्ड करने में मदद करेगा। जो यूजर्स लाइव वीडियो स्ट्रीम करना चाहते हैं वो इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ये नई सुविधाएं यूजर्स को ट्विटर पर अपनी टाइमलाइन के माध्यम से करते हुए वीडियो देखने में सक्षम बनाती है। जहां तक उपलब्धता की बात है तो मस्क ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये दोनों फीचर अगले हफ्ते ट्विटर यूजर्स के लिए उपलब्ध होंगे। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है योगेंद्र रजक, के सिन्हा, ऋतु रानी, भरत प्रसाद, मृत्युंजय कुमार, नोगोलू कुमार, शंकर मुखिया, कृष्ण कुमार यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजीव कुमार, नौशद अंसारी, सुरेश ओरम, बाबूलाल मरांडी, अतीक खान, रितेश कुमार, पवन सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंची चार टीमों में कौन सी टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी की प्रबल दावेदार है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।